नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों एक नया वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे, आज हमारे वर्कशॉप में आई है टाटा पंच जो कि 1200 सीसी का इसका इंजन है और 3 सिलेंडर गाड़ी है। इसके अंदर BS6 का मॉडल है और 2022 का मॉडल है। तो इसमें हम CNG किट इंस्टॉल करेंगे और जो CNG किट इंस्टॉल करेंगे वो हम करेंगे गैसटेक इटली का। इसके अंदर सारी कपलर टू कपलर वायरिंग आएगी, इसमें कोरियन वाले कपलर आते हैं। तो दूसरी कंपनियों में क्या है कि कट वायरिंग आती है, तो हम इसमें जो गैसटेक इटली का जो किट है वो लगाएंगे। प्रॉपर इम्पोर्टेंट किट आता है, लोवेटो की टक्कर का किट है और रेड्यूसर भी इसका काफ़ी अच्छा है, ECM भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात इसकी वायरिंग बहुत मुझे प्यारी लगी। तो टाटा पंच के अंदर आज हम गैसटेक इटली का किट लगाएंगे और ये आप देख सकते हैं इसमें BS6 के सारे अप्रूवल है। गैसटेक इटली के अंदर BS6 के सारे अप्रूवल है और ये हाईकेट से पास है पूरा किट। इसका रेड्यूसर BS82 टाइप मॉडल का इसका रेड्यूसर है और ECM इसमें 3-4 तरीके के ECM आते हैं। इंजेक्टर रेल भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। जो ऑनलाइन किट है ये RTO एंडोर्समेंट होगा, RC के अंदर पास होगा ये और प्रॉपर तरीके से हम इस गाड़ी के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे, जिसका आपको पूरा वीडियो ये मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल रवि मेनारी अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और काफ़ी अच्छी नई नई जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर आप हमारे नियर बाई हैं, हमारे वर्कशॉप के नियर बाई हैं, 50-100 किलोमीटर की रेंज में है, तो आप हमसे CNG LPG किट इंस्टॉल करवा सकते हैं, रिपेयरिंग करवा सकते हैं। आपने कोई दूसरी कंपनी का किट लगा रखा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 9928505007, जो आपके नीचे स्क्रीन के अंदर चल रहा है वो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर आप मुझे सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए सबसे पहले हम इसके करते हैं अनबॉक्सिंग। जो गैसटेक इटली का जो बॉक्स है उसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या निकलेगा वो आपको इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो चलिए इसके डब्बे को हम अनबॉक्सिंग करते हैं। और गैसटेक इटली के 3 ब्रांड आते हैं, जो कि HR के नाम से भी आता है, हाईरेज के नाम से भी आता है, हाईरेज कंपनी है कुल मिला के इनकी, और एक मिलानो करके आता है। देखिए सबसे पहले हमें इसमें एक डायरी मिलती है मैकेनिक भाइयों के लिए और इसका अप्रूवल का एक कार्ड मिलता है। उसके बाद देखेंगे तो ये इसकी इंजेक्टर रेल है, इसकी नोजल है, रेल को फिक्स माउंट करने के लिए इसकी ब्लेड, ये इसकी इंजेक्टर रेल, HR लिखा हुआ है, हाईरेज और इंजेक्टर रेल है इसकी। है रेल को माउंट करने के लिए इसमें 8 नंबर के 2 बोल्ट दिए हुए हैं। ये दूसरा, ये इसका फिलिंग वॉल हो गया। फिलिंग वॉल की अगर क्वालिटी देखें तो काफ़ी अच्छी है, बेस्ट है। ये इसकी प्लेट हो गई, CNG का स्टिकर हो गया, ये हो गया इसका रेड्यूसर। रेड्यूसर इम्पोर्टेंट है और जो इसका ये सिस्टम अलग है, दूसरे जो इस टाइप के आते हैं उसमें यहाँ पे एक बड़ी नट आती है, जिससे क्या होता है कभी वो घूम जाता है, लेकिन इस पर दोनों साइडों में हमें एलंकी मिलती है। और जो इसका शेप है मीटर लगाने का और जो हमारी पाइप जो कनेक्शन होगी फिलिंग वॉल से उसका कनेक्शन का सारा सिस्टम दे रखा है, कूलेंट की पाइपों का कनेक्शन है और ये हमारी गैस का आउटलेट है। उसके बाद ये प्रेशर कम तेज करने के लिए है और सेलोनेट भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है इसके ऊपर कोयल, और इम्पोर्टेंट वेपोराइजर है, बढ़िया है। इसका कोरियन टाइप का कपलर है ये,
फेरूल हो गया और वेपोराइज़र को माउंट करने के लिए इसके सारे नट और ब्लेड। ये हमारा टैंक का वॉल हो गया। ये हमारा प्रेशर गेज हो गया जो कितनी सीएनजी इसके अंदर बताएगा। और ये हमारा मैप सेंसर और इस टाइप का इसका बीआरसी टाइप का ये स्विच आता है, एसीएम स्विच बोलते हैं इसको। मैप सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया और इसकी सारी फिटिंग हो गई है। और सबसे जो अच्छी चीज़ लगी मुझे इसके अंदर वो लगी इसकी वायरिंग। वायरिंग बताऊंगा मैं आपको। देखिए पंच के अंदर जो इंजेक्टर के जो कपलर होते हैं वो सब इस टाइप के होते हैं, कोरियन कपलर बोलते हैं इनको। अगर आपकी वर्कशॉप में कोई अनट्रेंड मैकेनिक है या फिर जो बिगिनर है उनके लिए कंपनी ने क्या किया है, सारे वायरों के ऊपर इंडिकेशन दिया हुआ है, तो जो बिगिनर होता है उसको एक बार इतना कोई दिक्कत नहीं आती है, वो पढ़ के ही सारा इंस्टॉलमेंट कर लेगा, एक बार आपका काम हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, ये हमारी ECM की वायरिंग हो गई। ये लिखा हुआ USB डाटा केबल, इसके ऊपर कंप्लीट इंडिकेशन दिया हुआ है। फर्स्ट ये, उसके बाद आपका दिया हुआ है फ्रंट ऑक्सीजन सेंसर का ये वायर दिया हुआ है। ये आपका प्रेशर गेज का वायर है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा दिया है हुआ है। या RPM सिग्नल जिसको हम अपनी भाषा में इम्पल्स का वायर बोलते हैं। यह आपके इंजेक्टर की वायरिंग है ABCD या 1 2 3 4 बोल सकते हैं इसको आप। उसके बाद गाइज जो वायरिंग है ये किसकी है, ये आपके इसकी ECM स्विच की ऑन ऑफ की है और ये अपना की का है। तो गाइज ये अपना 12 वोल्ट है जो इग्निशन ऑन होने पे अपने को देना है। दूसरी कंपनियों के किट में ये इंजेक्टर का प्लस का वायर होता था, लेकिन इसमें इंजेक्टर के प्लस से ये चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि जो चाबी का जो स्विच है इग्निशन ऑन करने पे जिसमें 12 वोल्ट आता है उसमें अपने को ये वायर लगाना है। और ये जो केबल है ये हमारी OBD की केबल है। हम जो दूसरे किट लगाते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि स्कैनर लगाना पड़ता है उसकी फ्यूल ट्रिम देखने के लिए। और जब अगर स्कैनर नहीं लगाते हैं तो गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको स्कैनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें तीन वायर है, एक तो येलो के अंदर ग्रीन लाइन वाला है, वाइट के अंदर ब्लैक और एक वाइट प्लेन है। इसको लगाना कैसे है वो हमारे इस जो अपना सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी इसका डायग्राम आएगा और इस पर लिखा भी हुआ है कि भाई वाइट ब्लैक जो है वो आपको लगाना है 14 नंबर की पिन में OBD के अंदर, और जो अपना येलो ग्रीन है वो लगाना है 7 नंबर पिन के अंदर। उसके बाद वाइट जो वाला वायर है वो अपना 6 नंबर पिन में लगाना है। तो ये अपनी वायरिंग हो गई। उसके बाद जो ये वाली वायर है ये अपनी स्विच की वायर है, ECM स्विच की। ये हमारी पावर फ्यूज हो गया प्लस, ये पावर का माइनस। उसके बाद जो ये है ये आपकी है सर वाटर टेम्परेचर की, जो टेम्परेचर सेंसर है उसकी। और ये जो है वो है आपकी हाई प्रेशर सेलोनेट की, जो वेपोराइज़र के ऊपर लगेगा, सेलोनेट की है। उसके बाद जो अपनी एक वायर बची है ये है मैप सेंसर की। तो ये सारी सर वायरिंग हो गई अपनी। उसके बाद बॉक्स के अंदर निकलता है अपना ECM, ये आप देखिए हाई राइज का है, इसके ऊपर हाई राइज लिखा हुआ है और प्रॉपर तरीके से कंप्लीट काम है। 3 और 4 सिलेंडर के लिए सफिशेंट है।
असेंबल इन इंडिया के अंदर है और इम्पोर्टेंट किट है मेड इन इटली का, गेस्टेक इटली लिखा हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद जो अपना लास्ट बॉक्स निकलता है इसके अंदर, वो निकलता है आपका, इसमें शायद पाइपिंग होगी सारी, देखिए मैं बताता हूँ। ये अपनी हाई प्रेशर पाइप हो गई, ये अपनी वैक्यूम की, कूलेंट की और गैस की पाइप हो गई प्रॉपर, और ये अपनी हाई प्रेशर होगी, हाईराइज की पाइप है ये भी। प्रॉपर तरीके से हमने इसका जो अनबॉक्सिंग है वो मैंने आपको बताया है। और गाइज अब हम इस किट को टाटा पंच के अंदर फिटमेंट करेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो गाइज ये है हमारा पंच का इंजन, जिसको अब हम खोलेंगे। 3 सिलेंडर इंजन है, फिल्टर इसके ऊपर काफ़ी बड़ा दे रखा है, तो इसको खोलेंगे और फिर इसमें आप सीएनजी फिटिंग कर रहे हैं। तो गाइज ये अपना 3 सिलेंडर इंजन है और तीनों मैनिफोल्ड है अपने, 1, 2 और 3। तो मैं इस मैनिफोल्ड के ऊपर होल गिराऊंगा और हमारे पास मशीन है तो मशीन से करेंगे। बड़े ध्यान से होल करने हैं। एक होल हम करेंगे इसके वैक्यूम के लिए, तो वो थोड़ा सा हम इस साइड में कर लेंगे। तो ये जो मैनिफोल्ड के ऊपर अपन ने तीनों नोजल फिक्स कर दिए है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इसके नीचे की साइड में वैक्यूम के लिए, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिए, ये आप देख सकते हैं तो यहाँ पे। और अब इसके अंदर हम इसको एमसील लगा के फिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर इंजेक्टर वेल लगाएंगे, एसीएम लगाएंगे और फिर इसकी वायरिंग करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बना रहिए टाटा पंच के अंदर सीएनजी किट फिटमेंट करते हुए। तो गाइस पंच के अंदर हमने जो हमारा गैस्टेक इटली का जो वेपोराइजर है, रेड्यूसर, इम्पोर्टेंट रेड्यूसर है, और इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं। जो फिलिंग वाल है वो हमने यहाँ पे फिक्स किया है, देखिए आप। उसके बाद आगे चलते हैं, तो रेल को हमने ऐसा फिक्स किया है, देखिए आप, कि ना तो कभी हिलेगी और ना कभी टूटेगी, कुछ भी नहीं होगी। इसको हमने डाल दिया है अंदर की साइड में, देखिए आप, कहीं से भी टच नहीं हो रही है। यहाँ से एक पत्ती उठाई, थोड़ा सा जोड़ तोड़ तो करना पड़ा, इसको बेंड किया, यहाँ लगाया, यहाँ से एक पत्ती और उठाई, इसको यहाँ लगाया और अब ये यहाँ पे रेल हमारी फिक्स हो गई है। 3 सिलेंडर गाड़ी है तो 1, 2, 3 पॉइंट हमारे काम करेंगे। ये हमारा इंटेक गैस का है, ठीक है, रेल के अंदर। और अब जो हमारी ये जो पाइप आ रही है वेपोराइजर से, यहाँ बीच में हमारा मैप सेंसर लगेगा और मैप से डायरेक्ट जाएगी वहाँ पर। तो वीडियो के साथ बने रही है और फिर हमारा ECM पर लगाना बाकी रहा और वायरिंग के कपलर टू कपलर लगाने बाकी रहे हैं। टाटा पंच के अंदर हमारा काम चल रहा है,
वीडियो के साथ आप बने रहिए। गेस्टेक इटली एचआर की किट लग रही है। तो गाइस देखिए, जो फाइनली हमारे जो कनेक्शन थे वो प्रॉपर हो गए हैं। ये हमने यहाँ पे इंजेक्टर रेल लगाई है। फर्स्ट जो अपना मुंह है उसको हमने फर्स्ट सिलेंडर में दिया है, सेकंड का सेकंड में और थर्ड का थर्ड में। उसके बाद यहाँ से हमारी पाइपिंग होती हुई नीचे हमने लगाया है मैप सेंसर, और मैप सेंसर से होती हुई हमारी चली गई रेड्यूसर के अंदर दोनों पाइपें, वैक्यूम की और गैस की। उसके बाद जो हमने वैक्यूम की पाइप उठाई थी वो उठाई थी यहाँ से नीचे से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा रखी है वैक्यूम की यहाँ पे नीचे। उसके बाद जो वायरिंग हुई है हमारी वो सारे कपलर टू कपलर है, देखिए कोरियन कपलर है ये, कपलर टू कपलर इसमें वायरिंग हो गई है। और जो हमारा पावर का सप्लाई है वो हमने बैटरी से दे दिया है, और जो टेम्परेचर सेंसर है वो यहाँ लगा दिया है। ECM जो हमारा है वो यहाँ पर फिक्स कर दिया है यहाँ से ब्लेड लगा के। और ये हमारा USB डाटा केबल की पिन है जो लैपटॉप से कनेक्ट होगी, और अब हमारी खाली टैंक की लाइन और कनेक्ट करनी है, बाकी तकरीबन सारा काम हो गया है। आगे OBD के वायर और जोड़ने हैं और ECM स्विच और लगाना है। ये हमारा फिलिंग वॉल है, और वेपोराइजर जो हमने रेड्यूसर लगाया है इसमें भी कोरियन कपलर है, आप देख सकते हैं इसको भी हमने लगा दिया है। मीटर हो गया हमारा गैस देखने के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से इसकी वायरिंग हो गई है, और जो हमारा ECM स्विच का जो वायर है वो नीचे से होके अंदर चला गया है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। टाटा पंच के अंदर फिटमेंट चल रहा है हमारा, टाटा पंच 3 सिलेंडर 1200 cc इंजन है इसका, और गेस्टेक इटली की इसमें किट लगा रहे हम जेन्यून, कपलर टू कपलर वायरिंग सारी कंप्लीट। तो गाइस टैंक का हम जो वाल है वो इसको फिक्स कर रहे हैं, 81 का 160 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला टैंक लगा रहे हैं। तो अब देखिए तो गाइस फाइनली टाटा पंच की फिटिंग प्रॉपरली हो गई है। ये देखिए अब वेपोराइजर प्रॉपर तरीके से नीचे की लाइन डाल दी है फिलिंग वॉल से, और पैकिंग भी इसकी कर दी है प्रॉपर। टैंक पीछे का बताता हूँ मैं, टैंक लगा दिया है, टैंक का कवर और लगाना है हमको, और यहाँ MCL लगा के प्रॉपर पैक कर दिया है। अब इसकी सेटिंग करेंगे और कैलिब्रेशन करेंगे और गैस डलवाएंगे। तो वीडियो के साथ बना रही है टाटा पंच। तो भाई जो हमारी पंच है वो फिटिंग कर दी है। ये हमारा ECM स्विच HR का, पेट्रोल पे चल रही है अभी गाड़ी, लाल इंडिकेशन आ रहा है, और अभी हम CNG डलाने जा रहे हैं NS48 उदयपुर चित्तौड़ हाईवे। और अभी हम इसमें CNG डलाऊंगा 1 किलो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम इसकी माइलेज टेस्ट करेंगे। गेस्टेक इटली का किट लगाया है इसके, इसमें हमने कपलर टू कपलर वायरिंग सारी कोरियन कपलर है, इसमें 60 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला 81 का टैंक लगाया है प्रॉपर तरीके से, और टाटा की पंच 2022 मॉडल, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है लग्जरी सेगमेंट के अंदर। और ये हम आ गए हैं CNG पम्प के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं डलाऊंगा 1 किलो CNG। ओ भाई साहब गाड़ियाँ की तो लाइन लगी हुई है यार, अब क्या करेंगे। चलो कोई बात नहीं, 1 किलो ही डलानी है, और कैसे डलाएंगे हम चलेंगे उधर, और वहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लेंगे इधर, और यहाँ ये नोजल है ना इसमें हम खुद डाल देंगे। तो गाइस इसमें हम 1 किलो CNG डला रहे हैं अभी, ये पुराने गाड़ी में 94 रुपये 62 पैसे की गैस डलाई है 1 किलो 4 ग्राम, और इसमें हम माइलेज टेस्ट करेंगे टाटा पंच का। भाई साहब गाड़ी सेट कर दी है गैस के ऊपर, गेस्टेक इटली, परफॉर्मेंस काफ़ी सही,
इधर हमने 0-0 कर दिया, 1 किलो गैस डलाने के बाद माइलेज चेक करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी इसके अंदर फ्यूल ट्रिम वगैरह सब साथ में बता रहा है, जो सेटिंग है वो भी प्रॉपर है। और इसमें हम कस्टमर रिव्यू भी लेंगे, आपको इस वीडियो में रिव्यू भी या अगले वीडियो में कस्टमर रिव्यू बताएंगे। गैस के अंदर कोई जरक नहीं, 80 के तकरीबन गाड़ी चल रही है, परफॉर्मेंस सही है गाड़ी की। ये आप देखिए गाड़ी गैस पे चलती हुई। तो अगर गाइस आप अपनी गाड़ी में सीएनजी एलपीजी किट लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9928505007 के ऊपर। तो गाइस फाइनली हमने टाटा पंच के अंदर सीएनजी जो किट है गैस टैंक इटली का वो प्रॉपरली लगा दिया है। और अगर आप हमारे नियर बाई हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9928505007 के ऊपर, बेस्ट से बेस्ट आपको डील मिलेगी। और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो ECM है वो भी काफ़ी अच्छा है। बिना किसी जरक के, बिना किसी झटके के गाड़ी हमने प्रॉपर तरीके से सेटिंग की है और परफॉर्मेंस का काफ़ी अच्छा है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।